हमारा यह मन कितना चंचल है, यह सर्वविदित है, सब जानते हैं। कई बार मुझसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि सर मन को वश में कैसे किया जाए, क्या करें कि हम अपने मन पर काबू पा सकें। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मन पे काबू कैसे किया जा सकता है। तो आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जरूरी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अपने मन को काबू करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वह है अपने मन को समझना, खुद को मन से अलग करना। जब तक आप आत्मा और मन, भावना और इच्छा में भेद नहीं कर लेते, आप अपने मन को काबू में नहीं कर सकते। वास्तव में मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, आपके ही कुछ आदतों, इच्छाओं और संस्कारों के समुच्चय को मन कहते हैं, जिसका संचालन पूरी तरह से आपकी आत्मा या हम यह कह सकते हैं कि आपके द्वारा ही तय किया जाता है। मान लीजिए आपने कभी कचौड़ी का स्वाद चखा ही नहीं है, आप उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो क्या आपका मन कभी कचौड़ी खाने को कह सकता है? नहीं, क्योंकि मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर हम मन शब्द को तोड़ें तो यह दो अक्षरों में टूटता है, मां न, मां अर्थात मैं, ना अर्थात नहीं। कुल मिलाकर मन मतलब मैं नहीं, यहां मैं से हमारा मतलब आत्मा से है, अर्थात जहां भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आत्मा के अनुकूल नहीं, तो जान लो कि वह कार्य मन के द्वारा हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहां आत्मा कार्यरत नहीं है, आत्मा कार्यरत है, लेकिन निर्णय लेना आत्मा के वश में ना होकर आपकी इंद्रिय, इच्छाओं, आदतों और संस्कारों के वश में है। यदि आत्मा का यह अध्ययन और भी अधिक गहराई से किया जाए तो इसे चार विभागों में तोड़ा जा सकता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन इस वीडियो में हम केवल मन के बारे में बात करेंगे। अगर आप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो में पहले इस पर बना चुका हूं, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वह किन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर करते हैं। मेरे शब्दों पर जरा गौर कीजिए, इच्छा और आवश्यकता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा भेद है। हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, लेकिन हर इच्छा एक आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं। अब सारा खेल इन्हीं दो को समझने में है। तो आइए हम पहले कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्यों पी रहे हैं। अब इसके दो जवाब हो सकते हैं, पहला मन हुआ, इच्छा हुई, दूसरा प्यास लगी थी या आवश्यकता हुई। ऐसा ही आप अपने दैनिक जीवन के हर कार्य में देख सकते हैं, और आपको दो ही चीजें देखने को मिलेंगी, एक इच्छा, दूसरी आवश्यकता। बस मन का सारा खेल इन दो चीजों को समझने में है। जब आप अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर करना सीख लेते हैं तो आप मन को समझ लेते हैं, और हमें यही तो करना था। अब बात आती है जिद की। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि अमुक कार्य को करना हमारी आवश्यकता नहीं, महज इच्छा है, फिर भी हम उस कार्य को करने के लिए स्वयं को मजबूर महसूस करते हैं। जैसे आपको भूख नहीं है, लेकिन सामने तरह तरह के मिष्ठान पड़े हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप खुद को नहीं रोक पाते और उन्हें खा लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी अश्लील चलचित्र या कहानी को सुनकर आपके मन में कुविचारों की वर्षा शुरू हो गई। आप नहीं चाहते हुए भी उन विचारों में डूब रहे हो, अर्थात आप अपने मन पर काबू नहीं रख पाए, केवल संकल्प शक्ति की कमी के कारण। मन बड़ा जिद्दी होता है। मन ऐसा घोड़ा है जिसे यदि काबू न किया जाए तो वह आपके समय, स्वास्थ्य और जीवन को मटिया मेट करके तबाह कर सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि उसे काबू में रखा जाए तो वही आपको महानता और सफलता के चरम तक पहुंचा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि इस बेलगाम घोड़े पर लगाम कैसे लगाएं, इसकी जिद को कैसे तोड़ा जाए। ऐसी अवस्था में सबसे पहला काम है कि मन को समझाइए। मन जिस भी कार्य के लिए जिद करता है, आवश्यकता ना होते हुए भी वासना के वशीभूत होकर करता है, उसे उस बात के लिए समझाइए। अतीत का दृश्य दिखाइए, उसे कहिए कि देख, तूने अतीत में भी यही घटिया काम किया था, परिणाम क्या हुआ? दुख, संताप, पश्चाताप, दर्द। तो इसे दोबारा करने के लिए जिद क्यों कर रहा है? उसे भविष्य का दृश्य दिखाइए और बताइए कि देख, अगर अभी तू यह गलती करेगा तो भविष्य में तुझे तरह तरह के नुकसान झेलने पड़ेंगे।
तो फिर क्यों क्षणिक स्वाद, आनंद और मनोरंजन के लिए अपने भविष्य को अंधकार में बनाता है? मन के सामने लाभ और हानि की बराबर समीक्षा करें। किसी भी कार्य के करने से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में उसे यथार्थ रूप से अवगत कराइए। यदि विवेक ने आपका साथ दिया और आपके कारण सही रहे तो आपका मन जल्द ही वास्तविकता को समझ जाएगा और आप गलती करने से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि मन जिद पर उतर आए तो आगे का तरीका अपनाएं। यह बात तो आप बखूबी जानते होंगे कि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर का तोड़ जहर ही होता है। यहाँ भी जिद का तोड़ जिद ही है। जिद का मतलब है विवेकपूर्ण दृढ़ संकल्प शक्ति। जब पानी सर के ऊपर निकल जाए, जहाँ समझाने से काम ना चले वहाँ मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। उस युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए। जिस भी बुरी आदत से आप छुटकारा पाना चाहते हैं उसे अपने दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दीजिए। उससे घृणा कीजिए, उसे चुनौती दीजिए, उसे अपनी एक चुनौती समझिए और दृढ़ संकल्प शक्ति पूर्वक अपने मन को चुनौती दीजिए कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं मैं तय करूंगा, तू नहीं। यह ऐसा तरीका है जिससे बुरी से बुरी आदत को भी आप आसानी से छुटा सकते हैं। लेकिन विवेक पूर्वक समझाने में यह सुविधा होगी कि वह आदत हमेशा के लिए छूट जाएगी। अंततः हम यह कह सकते हैं कि हम अपने मन को समझाकर ही उसे अपने वश में कर सकते हैं। अच्छे बुरे का कैलकुलेशन करके ही हम अपने मन को समझा सकते हैं। और मेडिटेशन भी यही कार्य करता है, क्योंकि मेडिटेशन से संकल्प शक्ति बढ़ती है और किसी भी कार्य के प्रति हम दृढ़ संकल्पित होते हैं, हमारा मन लगता है, हम समझ पाते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्योंकि मेडिटेशन हमें आत्म शांति प्रदान करता है, हमें सोचने और समझने के लिए बराबर अवसर प्रदान करता है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।